खबर के साथ जो कि कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़ी हुई है। कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने सख्ती की है। आरबीआई ने ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। और ये जो खबर है इस पर पूरी डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी ये बताएं, आरबीआई ने कोटक बैंक को कड़ी फटकार लगाई है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है, डिटेल्स बताएं। देखिए, रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई की है। पहली बात तो ये कि कोटक महिंद्रा बैंक अब कोई भी नया क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएगा। जी हाँ, कोई नया क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएगा, लेकिन राहत ये दी है कि मौजूदा क्रेडिट कार्ड जो धारक हैं, जो क्रेडिट कार्ड के ग्राहक है कोटक महिंद्रा बैंक के, उनकी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो बिल्कुल चिंता मत करिए, लेकिन नया क्रेडिट कार्ड खुलवाने की सोच रहे हैं तो फिलहाल अब उस पर रोक लग गई है, कोई नया क्रेडिट कार्ड नहीं खुलेगा। इसी तरीके से अगर कोटक महिंद्रा बैंक चाहे अपने मोबाइल ऐप के जरिए या फिर ऑनलाइन नया ग्राहक खोलना, नया बैंक अकाउंट खोलना, तो नया बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक पर नए बैंक अकाउंट खोलने पर रोक लगाने का फैसला लिया है रिजर्व बैंक ने, ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए नया बैंक अकाउंट खोलने पर। ये दोनों फैसले तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। यहां भी एक बात जोड़ दूं कि जो मौजूदा ग्राहक है कोटक महिंद्रा बैंक के, जिनके पास बैंक अकाउंट है, उनसे पैसे के लेन देन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा फैसला रिजर्व बैंक ने क्यों लिया। तो रिजर्व बैंक ने जो फैसला लिया है उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह बताई गई है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A का उल्लंघन किया गया। ये एक्ट का सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके तहत जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रीवांसेस सिस्टम है उसकी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से, इसलिए ये कदम उठाए गए। और दरअसल 2022 और 23 के बीच का आईटी ऑडिट कराया गया रिजर्व बैंक की तरफ से 2022 और 23 में, ये पाया गया कि कई सारी खामियां हैं जिसकी वजह से रोक लगाना जरूरी है। सबसे बड़ी खामी तो ये थी कि जो हम लोगों का डेटा होता है, डिजिटल डेटा होता है बैंक में, वो सुरक्षित नहीं था। उसके सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम होते हैं वो पुख्ता इंतजाम यहां पर नहीं किए गए थे। इसके अलावा आईटी इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो होता है वो नहीं किया गया था। डेटा लीक ना हो इसके लिए जो पुख्ता इंतजाम किए जाते थे उस इंतजाम में भी गड़बड़ी पाई गई। यूजर एक्सेस मैनेजमेंट वहां भी गड़बड़ी पाई गई। किसी भी तरह की आपदा के हालत में कैसे संभालेंगे कस्टमर के डेटा को, उनकी जान सर्विसेज को, उसके भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया था, इस वजह से रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। यह फैसला अनिश्चित काल के लागू है। फिलहाल इस पर रोक कब हटेगी इसके बारे में रिजर्व बैंक ने कहा है कि एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। पहले बैंक ऑडिट कराए, ऑडिट के बाद ये चिंताएं जताई गई, चिंताएं सारी दूर होंगी, उसके बाद ये पाबंदी हटाने पर विचार किया जाएगा। ओके, लक्ष्मण जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो रोक लगाई गई है मौजूदा ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। देखिए, मौजूदा ग्राहक, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहक हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे आप क्रेडिट कार्ड के ग्राहक हैं, चाहे आप उसके सेविंग अकाउंट के ग्राहक हैं, तो आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के निवेशक हैं तब क्या असर पड़ेगा वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात साफ कर दूं कि रिजर्व बैंक को तत्काल ये पता चला, तत्काल ये कदम उठाया, ऐसी बात नहीं थी। दरअसल लगातार 2 साल से रिजर्व बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के टॉप मैनेजमेंट के साथ बातचीत कर रहा था। उनको लगातार बताया कि आईटी असेसमेंट में ये खामियां निकल कर सामने आई हैं, लेकिन उन खामियों को दूर करने के लिए जो रिजर्व बैंक ने कहा, उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट जब कोटक महिंद्रा ने दी तो ये पाया गया कंप्लायंस रिपोर्ट में कई सारी बातें तो गलत दे दी गई है। कई सारी बातें जो कहा गया उसका पालन नहीं किया गया है। और उसके बाद रिजर्व बैंक ने यह भी देखा कि लगातार इनके ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में रिस्क काफी ज्यादा हो रहा है। 15 अप्रैल 2024 को जो एक आउटेज आया था, कंज्यूमर के सुविधाओं में दिक्कतें आई थी, उसको भी रिजर्व बैंक ने संज्ञान में लिया और सोचा कि अगर नहीं फैसला लिया जाता है तो आगे चल के एक बड़ा जोखिम हो सकता है, इसलिए रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया। और दोनों सेवाओं पर, नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर और ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगाने का फैसला लिया है। जी, तो लक्ष्मण जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे बात करेंगे। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एनसीआईओ गुरमीत चड्डा। तो गुरमीत, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आरबीआई के एक्शन को आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर बैंक के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है। देखिए, इसके हमेशा दो इम्पैक्ट होते हैं, एक फाइनेंशियल होता है, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ क्योंकि ये सिमिलर एक्शन एचडीएफसी बैंक पे लिया गया था कुछ साल पहले, जिसमें उनको क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग पे कुछ रोक लगाई गई थी। और ऑडिट ये कहता है कि जो उन्होंने सीबीएस और आईटी
साइट्स का इंस्पेक्शन किया तो आउटेजेस काफी ज्यादा थे। अगर आप डिटेल वो पढ़े तो आरबीआई कोई भी एक्शन ऐसे नहीं लेता है, काफी ड्यू डिलीजेंस होती है, ऑडिट होता है। तो थोड़ा सा मैं सरप्राइज हूँ क्योंकि कोटक को अच्छे बैंकों में गिना जाता है, कंप्लायंस में, रिस्क मैनेजमेंट में, उनकी एसेट क्वालिटी बहुत स्टेबल है। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स 4% है उनकी लोन बुक का। तो आप देखेंगे टोटल लोन बुक अगर 4 लाख करोड़ की अप्रोक्सीमेटली, क्रेडिट कार्ड 4% है, पर्सनल लोन और जो बाकी लोन्स होते हैं कंज्यूमर लोन्स वो करीबन 5% है, होम लोन और लैब करीबन 27% है, कॉर्पोरेट बुक है 23-24%। तो लोन बुक काफी डाइवर्सिफाइड है। हालांकि कार्ड बिजनेस में स्प्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं और पिछले 2 क्वार्टर से 50% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा था, तो काफी तेजी से वो कार्ड बिजनेस को मॉपअप कर रहे थे, तो उसमें एक थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा उनका एक फ्लैगशिप स्कीम था 811 जिससे वो डिजिटली अकाउंट खोल रहे थे, उससे उन्होंने काफी लाइबिलिटीज अपना इम्प्रूव किया था, कासा रेशियो बढ़ा हुआ था, तो उसमें भी थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। जब भी ऐसा कोई कदम होता है तो थोड़ा सा परसेप्शन डैमेज होता है बैंक का और समय लगता है, ये बैन इमीडिएटली नहीं जाता है। एचडीएफसी को लगभग साल लग गया था, मेरे ख्याल उससे भी थोड़ा ज्यादा लग गया था उसको सॉल्व करने में। अब एक्सटर्नल ऑडिट बैठेगा, सारी चीजें होंगी, तो ये खराब न्यूज है निवेशकों के लिए भी, बैंक के निवेशकों के लिए खासतौर। गुरमीत जी, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा भी, रिजर्व बैंक ने अपने फैसले के लास्ट पैरा में कहा है कि अब बैंक को रिजर्व बैंक के परमिशन के साथ एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराना होगा, थर्ड पार्टी ऑडिट में जो खामियां होंगी उन खामियों को दूर करना होगा, फिर देखा जाएगा कि उन खामियों को कितना दूर किया गया, असेसमेंट किया जाएगा, फिर आपको जो है ये जो पाबंदी लगाएगी उसको हटाने पर विचार किया जाएगा। पहली बात कि कोटक महिंद्रा जैसे बैंक से ये सारे प्रोसेस को पूरा करने में आप कितना वक्त एक अनुमान लगाते हैं, कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी और हटने की संभावना कब तक की जाए, क्योंकि इससे पहले एचडीएफसी बैंक में भी हमने देखा ऐसा केस और अब कोटक महिंद्रा बैंक। मुझे लगता है समय लगेगा क्योंकि एचडीएफसी में जैसे मैंने बोला कि साल के ऊपर लगा था और जो जब वापस भी नॉर्मलसी आई तो कई पार्ट्स में आई, कार्ड बिजनेस को उनको ज्यादा समय लगा। एचडीएफसी में हालांकि इम्पैक्ट बड़ा था क्योंकि उनका क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर 20% सुपर है, कोटक के लिए कार्ड बिजनेस अभी भी छोटा है, तो मेरे हिसाब से समय लगेगा। ऐसा कोई भी एक्शन होता है, अभी हमने देखा पेटीएम का अगेंस्ट एक्शन हुआ था पीछे, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पेटीएम बहुत अलग केस है, तो ये जब कोई सीरियस लैप्स आरबीआई देखता है तभी होता है। और ये मुझे लगता है आरबीआई का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है बैंक्स को, हम डिजिटल एज में है, कोई भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉम्प्रोमाइज बैंक जो है आरबीआई जो है उसका टॉलरेंस लेवल नहीं है, चाहे वो आउटेजेस है, डेटा सिक्योरिटी है, यहाँ पे आरबीआई एक बेंचमार्क सेट करना चाहता है, इसलिए बड़े बैंक्स पे भी ये एक्शन हो रहा है। तो ये कोटक अकेला आइसोलेटेड केस नहीं है, पीछे भी कई ऐसे एक्शंस बाकी सारे बैंक्स में भी हुए हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में हुए, एनबीएफसी में हुए हैं, तो ये क्लियर मैसेज है। और हम डिजिटल एज में हैं, थेफ्ट के चांसेस बढ़ते हैं, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बैंक्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये क्लियर मैसेज है पूरी इंडस्ट्री के लिए। बहुत सारे बैंक्स के आईटी एप्लीकेशंस अभी भी अच्छे नहीं है, ये एक फीडबैक हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो ये उनके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करिए। बिल्कुल, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी राहत ये दी गई कि कोटक महिंद्रा बैंक के जो कस्टमर हैं, अब मौजूदा कस्टमर उनको चिंता करने की जरूरत है, उनके सर्विसेज बदस्तूर जारी रहेंगे, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक के जो मौजूदा निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके लिए आपकी राय क्या होगी और कल जब बाजार खुलेगा तो बैंक निफ्टी पर इसका असर क्या दिखेगा? और एक चीज और, आपने कहा कि बाकी बैंकों के लिए भी एक इंडिकेशन है, तो उनको भी अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट बनाने के लिए उस पर अपना खर्च बढ़ाना होगा? बिल्कुल, रिएक्शन नेगेटिव आएगा, ये नॉर्मल है, बट मैं क्योंकि कोटक 2-3 साल से चला नहीं, एक रेंज में है 1600 से 1800 की, तो पैनिक में रिएक्ट मत करिए, बैंक के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी आप देखिए वन ऑफ द बेस्ट है, 0.34 का एनपीए है, शुरू से उनका गोल्ड स्टैंडर्ड क्रेडिट अंडर राइटिंग है, लोन बुक मैंने जैसे बोला काफी डाइवर्सिफाइड है, कार्ड सिर्फ 4% है और बैंक का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 20-25 साल का, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आप पैनिक में कोई रिएक्शन मत करिए। हमने हमेशा देखा है कि कभी भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो थोड़ा इमीडिएट रिएक्शन नेगेटिव होता है, बाद में मार्केट स्टेबलाइज करता है, तो थोड़ा वेट करिए। और एग्जिस्टिंग बिजनेस और जो जो बैंक के कस्टमर्स हैं उन पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ा सा ट्रेड शिफ्ट हो सकता है, जो बैंक ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे आए, बट ओवरऑल जो 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 जैसे एचडीएफसी उस पर एक्शन हो चुका है,
पिछले कुछ समय से शायद चला नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा सा रोटेशन हो कैपिटल का दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पीएसयू में, थोड़ा सा रोटेशन हमें देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि कोटक बहुत ज्यादा ओन नहीं है पिछले 2-3 साल से, वो भी थोड़ा सा म्यूटेड होगा, तो नेगेटिव रिएक्शन होगा थोड़ा सा कोटक महिंद्रा बैंक पे अगले 1-2 दिन। शुक्रिया गुरमीत इस पूरे एनालिसिस के लिए, साथ ही लक्ष्मण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से हमारे दर्शकों को ये पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे बात।